हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज मैं आलू लच्छा नमकीन बना रही हूँ। तो देखिए, मैं आलू को थोड़ा घिस भी रखी हूँ, कद्दूकस कर रखी हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं इसमें मिक्स करने के लिए मूंगफली दाना ली हूँ, बादाम या ये पोहा ली हूँ। आप चाहे तो खाली आलू का ही बना सकते हो, मैं थोड़ा मिक्स करके बना रही हूँ। तो मैं बताती हूँ इसको घिस के कैसे घिसते हैं, कद्दूकस कैसे करूँगी, बहुत टेस्टी बनता है गाइस। तो मैं दूसरे कटोरे में पानी ले ली हूँ, अब इसको इस तरह से कद्दूकस करूंगी। तो गाइस बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। इस तरह से आपको घिसना है लंबा लंबा। तो देखिए गाइस, देखिए देखिए, इस तरह से सारा घिस लूंगी। तो देखिए गाइस, मैं सारा इस तरह से कद्दूकस कर ली हूँ। अब इसको दूसरे एक बार धो ली हूँ, फिर दूसरे पानी में डालूंगी, साफ पानी में। तो देखिए इसी तरह से इसको दो दो तीन बार धो लूंगी अच्छे से। तो देखिए गाइस, इस तरह से अच्छे से धो ली हूँ। देखिए इतना लंबा लंबा बना है पूरा। क्यों इसको इस तरह छोड़ दूंगी 10 मिनट अच्छे से, पंखे की हवा में फैला दूंगी इसको 10 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से सूख जाए। तो देखिए गाइस, इसको अच्छे से सुखा ली हूँ। ये देखिए, पहले से पूरा पानी जो था सूख गया है, तब इसको फ्राई फ्राई करने चलती हूँ। तो देखिए, फ्राई करने के लिए मैं तेल ले ली हूँ, गैस को बैठा दी रिफाइन ऑयल, मैं गैस ऑन करती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह का छन्नी ले लीजिएगा, कोई सा भी छन्नी हो आपके पास स्टील का, तो गिर मत ले, तो ये पहन ले भैया, ऊंचा पहन ले थोड़ा। तो देखिए गाइस, तेल पूरा हाई होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए डाल के इसे डाल दी मूंगफली इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से बादाम को फ्राई कर लूंगी मूंगफली को। देखिए गाइस, बन गया हमारा मूंगफली दाना, फ्राई हो गया अच्छे से। इसे बर्तन में निकाल दूंगी अच्छे से। तो ऐसे अखबार रख लीजिएगा कपड़े पे, उस पर इसको निकाल देना है। देखिए गाइस, इस पोहा को भी इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। देखिए गाइस, पोहा हमारा हो गया है एकदम कड़कड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको निकालूंगी दूंगी अच्छे से। तो देखिए गाइस, इसको भी इसमें डाल दूंगी। तो देखिए गाइस, ये डालूंगी जो आलू रखी हूँ, यानी आलू लच्छा, इसको आलू लच्छा बोलते हैं। इसको कराके होने तक फ्राई करूंगी। तो देखिए गाइस, इस टाइम में थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी इसमें, ताकि कलर अच्छा। तो देखिए गाइस, कितना प्यारा कलर आया है। इसको अच्छे से गोल्डन होने तक पकाना है अच्छे से, तभी हमारा आलू लच्छा बनेगा। आलू लच्छा मैम क्वीन बहुत टेस्टी बनता है गाइस, बच्चे को बहुत पसंद आता है, तो घर पे ट्राई ज़रूर करना। तो देखिए गाइस, बिल्कुल पक गया अच्छे से। ये देखिए आवाज़ कैसी आ रही है, झन झन आवाज आ रही है, इसका मतलब पक गया अच्छे से हमारा लच्छा आलू। इसको देखिए गाइस, इसको निकालूंगी अब। ये सारा एक्स्ट्रा तेल होता है, ये देखिए पेपर में आ गया है, पेपर नीचे रख लेना, सारा एक्स्ट्रा तेल सोख लेगा। तो देखिए हमारा लच्छा आलू नमकीन तैयार है। अगर आप मिक्स नहीं करना चाहते कुछ, तो मत कीजिएगा, इसी तरह से बनाइएगा खाली आलू का ही, जो बहुत टेस्टी बनता है गाइस। तो मैं इसमें क्या क्या ली हूँ, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला है, सारा मिक्स है। तो इसको मिला दूंगी इसमें डाल के। तो गाइस, मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डालूंगी, ये देखिए इसको अच्छे से मिला दूंगी। अगर आप और तीखा खाते हो, तेज़ तीखा खाते हो, तो इसमें और मिर्च और तेज मसाला कर देना। मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा आलू लच्छा नमकीन बनके तैयार है। देखिए कितना प्यारा बना है नमक।
आवाज से पता चल रहा होगा, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है गाइस। इसको निकाल के दिखाती हूँ एक बर्तन में, तो देखिए गाइस एक प्लेट में निकालूंगी इसको, तो सारा निकाल लूंगी प्लेट में। तो गाइस बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, घर पे ट्राई जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए गाइस मैं सारा निकाल ली हूँ प्लेट में। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अभी ऐसी बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है मेरे चैनल पे, चेक कर लेना।